नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स। सब्जेक्ट है लेखा शास्त्र, अकाउंट। आज इसमें जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें लेखा शास्त्र की अवधारणाओं को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझें। तो इसमें लेखा शास्त्र की अवधारणाएँ, लेखा शास्त्र की अवधारणा, लेखा शास्त्र के अंतर्गत तैयार किए गए अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए आवश्यक है कि लेखा शास्त्र के कुछ सिद्धांत और अवधारणा को पालन किया जाए। लेखा शास्त्र के सिद्धांत मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की भांति सार्वभौमिक नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जब कभी लेखा पालक को कोई समस्या अनुभव हुई तो उन्होंने उन समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। ठीक है, जब उस हल को अन्य लेखा पालकों की स्वीकृति मिल गई तो यह नियम या सिद्धांत बन गया। जब इन्हें सर्वमान्यता प्राप्त हो गई तो नियम अवधारणा के नाम से विख्यात हुए। लेखा शास्त्र की अवधारणाएं, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं निम्नलिखित है। व्यवसायिक नंबर एक है, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा से यह तात्पर्य है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है, अतः व्यवसाय के लेखे व्यवसाय के दृष्टिकोण से किए जाते हैं न कि व्यवसाय की दृष्टि से। अन्य शब्दों में लेखापालक व्यवसाय से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं का उल्लेख करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यवसायी व्यवसाय से अपने निजी व्यय के लिए कोई धन निकालता है, निजी व्यय के लिए कोई धन राशि निकाल ले या कोई धनराशि अपने पास से व्यापार में लगा दे और यह कहे कि उसका व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो व्यवसायी का यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों व्यवहार लेखा शास्त्र के अंतर्गत अलग अलग विधि से लिखे जाते हैं। जब व्यवसाय से कोई धनराशि निकालता है तो आहरण खाता रनिंग किया जाता है, जिससे व्यवसाय में उसकी पूंजी कम हो जाती है। और जब वह कोई धनराशि व्यवसाय में लगाता है तो उसे पूंजी में वृद्धि समझकर पूंजी खाते में धनी किया जाता है। नंबर टू, मुद्रा माप की अवधारणा। लेखा शास्त्र की इस अवधारणा के अनुसार केवल उन व्यवहारों एवं घटनाओं को उल्लेख किया जाता है जो मौद्रिक प्रकृति की होती है। इस प्रकार यह अवधारणा लेखा शास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती है। इस अवधारणा के अनुसार लेखा शास्त्रों में उन तथ्यों एवं घटना को उल्लेख नहीं किया जाता जिनको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भले ही वह व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाती है अथवा दुर्घटना में किसी प्रमुख अधिकारी की मृत्यु हो जाती है अथवा प्रतिस्पर्धा के कारण किसी अच्छी वस्तु का निर्माण हुआ है तो ये घटना व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इन घटनाओं को मुद्रा में न मापा जाने के कारण इसका लेखा शास्त्र में नहीं किया जाएगा। ठीक है, मुद्रा माप की अवधारणा। लेखा शास्त्र की अवधारणा के अनुसार केवल उन व्यवहारों और घटनाओं को लेखा किया जाता है जो मौद्रिक प्रकृति की होती है। इस प्रकार यह अवधारणाएं लेखा शास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देती है। इस अवधारणा के अनुसार लेखा शास्त्रों में उन तथ्यों एवं घटनाओं को लेख नहीं किया जाता जिनको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भले ही वे व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाती है अथवा दुर्घटना में किसी प्रमुख अधिकारी की मृत्यु हो जाती है अथवा प्रतिस्पर्धा के कारण किसी अच्छी वस्तु का निर्माण हुआ है तो यह घटने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इन घटनाओं को मुद्रा में न मापा जाने के कारण इनका लेखा लेखा शास्त्र में नहीं किया जाएगा।
नंबर 3 चालू व्यवसाय की अवधारणा। लेखा शास्त्र की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय अनंत समय तक चलता रहेगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यही कारण है जब वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं, जो साल के लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, तो अदत्वीय, पूर्दत्वीय, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय आदि का लेखा किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, न कि बाजार मूल्य पर। जो भी संपत्ति स्थायी संपत्ति है उन्हें हमें किस पर दिखाना चाहिए? मूल जो लागत होती है, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर नहीं दिखाना चाहिए। परंतु यदि व्यवसाय को समाप्त किया जा रहा है तो स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस स्थिति में स्थायी संपत्तियों का बाजार मूल्य या प्राय मूल्य ध्यान में रखा जाएगा। लागत अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों का लेखा उस कीमत पर करना चाहिए जिस पर वे प्राप्त की गई है। स्थायी संपत्तियों के लागत मूल्य में स्थायी संपत्तियों के स्थापना संबंधी व्यय को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जो संबंधी व्यय होते हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। लेखा शास्त्र की इस अवधारणा के अंतर्गत संपत्ति के मूल्य में समय समय पर होने वाले कुछ वाचनों को लेखों में नहीं दिखाया जाता। लागत मूल्य बराबर होता है वृद्धि ह्रास माइनस बिक्री। दूसरे, यदि व्यवसाय को कोई संपत्ति बिना किसी लागत के उपहार या दान स्वरूप प्राप्त हुई है तो व्यवसाय में उसका लेखा उस समय के बाजार मूल्य पर किया जाए। नंबर 5 अर्जित अवधारणा। लेखा शास्त्र की इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवसाय की लेखांकन अवधि से संबंधित सभी व्यय जिनका भुगतान हो चुका है या जिनका भुगतान होना शेष है, अर्थात अदत्व्यय तथा उसी लेखांकन अवधि से संबंधित आय जो अर्जित कर ली गई है, चाहे उसकी प्राप्ति हो गई है अथवा प्राप्त होनी शेष है, अर्थात उपार्जित आय आदि का समायोजन उसी लेखांकन अवधि में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पूर्दत्त व्यय तथा अनुपार्जित आय को लेखांकन अवधि में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। लेखांकन अवधि से तात्पर्य उस अवधि से होता है जिसके समाप्त होने पर अंत बनाए जाते हैं। लेखांकन अवधि से तात्पर्य क्या है? जिसके समाप्त होने पर अंतिम खाते, जो फाइनल अकाउंट्स है, जो तैयार किया जाता है। नंबर 6 रूढ़िवादिता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखापालक को लेखा करते समय व्यवसाय से संबंधित सभी संभावित हानियों, अनिश्चितताओं और जोखिमों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए, परंतु संभावित लाभ को तब तक लाभ नहीं माना चाहिए जब तक वह प्राप्त न हो जाए। इसी अवधारणा के अनुसार अंतिम खाते का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दो में जो भी कम है उस पर किया जाना चाहिए। ठीक है, अवधारणा जो अंतिम खाते का मूल्यांकन किस पर करना चाहिए? लागत मूल्य और बाजार मूल्य, इनमें से जो भी कम है उस पर किया जाना चाहिए। इसके बाद है नंबर 7 पूंजी अवधारणा। इस अवधारणा से आशय है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग किया जाना चाहिए। एकाकी व्यवसाय व साझेदारी संस्था में वार्षिक लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, परंतु सीमित दायित्व वाली कंपनी का लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता, क्योंकि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली आय उनका लाभांश कहलाती है, जिसका लेखा पूंजी खाते में नहीं किया जाता। नंबर 8 है एक रूपता की अवधारणा। इस अवधारणा का आशय यह है कि लेखा विधि की जिस पद्धति का प्रयोग किसी घटना का लेखा करने के लिए एक बार कर लिया जाता है,
आने वाले समय में उसी प्रकार की घटना के लिए उसी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा पिछले वित्तीय वर्षों से इस लेखे का सही तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष और इस वर्ष दोनों की तुलना करने के लिए एक रूपता का अवधारणा का प्रयोग किया जाता है और इस लेखक से तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास काटने के लिए कर्मगत ह्रास शेष पद्धति का चयन किया गया है तो आगामी वर्षों में भी इसी पद्धति से ह्रास काटा जाना चाहिए, जिससे इसे ही स्थिरता या एकरूपता की अवधारणा कहते हैं। जैसे कि पहले वर्ष में कर्मगत पद्धति से डैप लगा तो अगले साल भी उसी विधि से डैप लगाना चाहिए, या स्थायी विधि तो अगले साल भी स्थायी विधि का प्रयोग करना होगा, जब ही व्यापार में स्थिरता और एकरूपता बनी रहेगी। फिर इसके बाद है अवधि की अवधारणा। नंबर 9, प्रत्येक व्यवसायी एक ऐसी अवधि निश्चित करता है जिस पर वह अपने व्यवसाय के संबंध में लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात कर सके। यह अवधि सामान्यतः एक वर्ष होती है। यह अवधि कैलेंडर अवधि या वित्तीय अवधि या अन्य कोई अवधि हो सकती है। कंपनी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम में लेखा अवधि 12 माह होती है। अधिकांश व्यापारी वित्तीय अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही लेखांकन अवधि मानते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है उसे क्या मानते हैं? लेखांकन अवधि। फिर इसके बाद नंबर 10, प्रमाण की अवधारणा। प्रमाण से आशय उन प्रपत्रों और प्रमाणकों आदि से है जिनके आधार पर लेखा पुस्तकों में लेखी किए जाते हैं। जहाँ लेन देनों की संख्या कम होती है, व्यवसाय स्वयं व्यवसाय के समस्त कार्यों को करते हैं, अतः वहाँ प्रमाण का अधिक महत्व होता है। लेकिन जहाँ व्यवहार और व्यवसाय बड़े पैमाने पर होते हैं तथा अप्रत्यक्ष प्रबंध होता है, वहाँ उनका बहुत महत्व है। इस प्रमाण का लेखांकन के वैधानिक दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्व हो जाता है। नंबर 11, आगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को वसूली सिद्धांत भी कहते हैं। आगम व्यवसायिक माल और सेवाओं को बेचने के परिणाम स्वरूप होती है। आगम जिस वर्ष में उपार्जित की जाती है उसी वर्ष की आय मानी जाती है। माल और सेवाएं ग्राहकों को हस्तांतरित कर देने से आगम का उपार्जन होता है। माल और सेवाएं ग्राहकों को नगद और उधार दो प्रकार से बेची जाती है, उधार भी और नगद भी। नगद भेजने पर रोकड़ तुरंत प्राप्त हो जाती है। यदि हमने नगद माल बेच दिया तो हमें नगद रोकड़ प्राप्त हो जाती है और सौदे का निपटारा हो जाता है। लेकिन उधार विक्रय में देनदार भविष्य में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य की बात है कि आगम की उत्पत्ति माल के उधार या नकद बेचने से होती है, इसका कोई संबंध रोकड़ प्राप्ति से नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि मई में कोई माल बेचा जाए और उसकी रोकड़ की प्राप्ति जून में होती है तो आगम की वसूली माह मई मानी जाएगी। जब माल बेचा गया था, यदि भविष्य में माल बेचने हेतु कोई आदेश प्राप्त हुआ है तो यह आगम नहीं है। आगम तभी होगा जब आदेश अनुसार माल भेज दिया जाए। इसी प्रकार यदि माल बेचने के आदेश पत्र के साथ 2500 रुपये अग्रिम धनराशि फरवरी माह में प्राप्त हुई है और आदेश की पूर्ति अप्रैल माह में की गई तो यह आगम का माह अप्रैल माना जाएगा, न कि फरवरी। धनराशि फरवरी माह में प्राप्त हुई है और आदेश की पूर्ति अप्रैल माह में की गई है तो यहाँ पर आगम का माह अप्रैल माना जाएगा, न कि फरवरी। नंबर 1, इसमें आगम को उस समय उपार्जित मानना चाहिए जब माल प्रतिफल के लिए प्रदान किया गया हो। नंबर 2, सेवाओं के संबंध में आगम को उस समय उपार्जित माना जाता है जब सेवाएं ग्राहक को संतुष्ट कर दे तथा भुगतान दे हो जाए। नंबर 3, मूर्त उत्पादनों के संबंध में आगम को उस समय उपार्जित माना जाता है जब माल ग्राहक को सुपुत कर दिया गया हो या माल जहाज पर लाद दिया गया हो। नंबर 4, माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में माल की बीजक में लिखी गई तिथि या जिस तिथि पर माल को भेजा जाता है उन दोनों तिथियों में जो भी बाद की तिथि होती है वही आगम के उपार्जन का समय।
तिथियों में से जो बाद की तिथि होगी उसे ही आगम के उपार्जन का समय है। नंबर 5, जब हम अपनी संपत्तियों को अन्य पक्षों को प्रयोग करने हेतु देते हैं तो वह बदले में हमें ब्याज, अधिकार शुल्क, रॉयल्टी और किराया देते हैं। ऐसे आगम को समय व्यतीत होने या संपत्ति के प्रयोग के साथ उपार्जित माना जाता है। ठीक है, इस वीडियो में आज यहीं तक, और अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका थर्ड भाग है उससे लेकर उपस्थित होऊंगा। और थैंक यू।